हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक फिलअप हम लोग कवर करेंगे और जो एमसीक्यू है वो कवर करेंगे। तो ये बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर बी बॉस 2019 और 20 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी का है, ठीक है ना। और बी बॉस में ज़्यादातर जो मोस्टली क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा और साथ में आंसर भी बताऊंगा। देखो, आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होने वाला अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और बी बॉस जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को अपना प्रिपरेशन जो है वो 110% स्टार्ट रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे फिलअप वगैरह दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो बिल्कुल इजी इजी है। जो आपको 8th और 9th क्लास में पढ़े वही यहाँ पर दिया हुआ है। फिर मैं आपको इसका सारा कुछ का आंसर बता दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पी प्लांट जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो इसको आप चाहो तो वेजिटेबल भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे यहाँ आपको आपको ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बायोलॉजी का जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्मॉल, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्मॉल स्पीरिकल सीड, स्मॉल स्पीरिकल सीड, SPHERICALSEED, ठीक है ना, स्मॉल स्पीरिकल सीड, इसका आपका आंसर हो गया। फिर है HIV, तो HIV क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, HIV इज वायरस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड, साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड अल्गी, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया को अल्गी भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। WWF का पूरा नाम क्या है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, WWF का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फिर यहाँ पे गोल्डन अलगी इज आल्सो कॉल्ड, तो गोल्डन अलगी को और क्या कहा जाता है, तो गोल्डन अलगी को यहाँ पे कहा जाता है क्राइसोफाइटी, ठीक है, CHROSOPHYCEA, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि MCQ है, ठीक है, ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जो है एक बार देख लेना, ठीक है ना। ऑन्कोजीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये आपको कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका जो, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे आपका सी, हाँ ठीक है, ऑन्कोजीनस रिस्पॉन्सिबल कैंसर था, ठीक है। नोटोकोड इज फाउंड इन, नोटोकोड्स किस चीज़ में फाउंड होता है, ठीक है, नोटोकोड्स इज फाउंड इन, इसका जो राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा, कॉकरोच, ठीक है ना, कॉकरोचेज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, कॉकरोचेज, ठीक है। द पोलिनेशन इन ए जर्मिनेशन बाई, जो पोलिनेशन इन ए जर्मिनेशन बाय होता है वो किस चीज़ के दोबारा होता है, पोलिनेशन इज ए जर्मिनेशन बाय, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ना कि एयर वाटर, बाय वाटर और बाय इंसेक्ट, ठीक है ना, ऑल ऑफ एबव। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है वो विच ऑफ द स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स डिफरेंटिएट बिटवीन प्लांट एंड वाटर सीड, विच ऑफ द स्ट्रक्चर कंपाउंड्स डिफरेंटिएट बिटवीन प्लांट एंड वाटर सीड, तो इसका जो आपका है वो राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे आता है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरसेलुलर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, जिसको कि वायरस बोला जाता है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेलुलर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, तो इसका जो आंसर है वो वायरस हो जाएगा। तो देखो, ये थे बायोलॉजी का जो पिछला साल का जितना भी MCQ आया था वो इतना ही आया था, ठीक है, 1 वर्ड का बोल सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ बता दिया, जो कि टोटल 15 थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज़ पर जाइए कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाला है, कोई एंगल से आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, किसी भी तरह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तो आपको अपना स्टडी पे फोकस रखना है, आपका टाइम बिल्कुल कम है।